सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, वो सारा चीज लिखेंगे। पहले हम मैथमेटिकली समझते हैं एंड देन स्टेटमेंट के बाद मैथमेटिकल लिखेंगे। तो आप पहले इसको समझिएगा, लिखना कैसे है ये मैं आपको बताता चलूंगा अभी। सो सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये दो चार्ज हो गए Q1, ये एक चार्ज हुआ और ये दूसरा चार्ज हो गया Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि R है। तो कूलम्स लॉ इज लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ जैसे कहता है कि दो मास के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, वैसे ही यहां पे कहते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। मतलब कि एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, जस्ट लाइक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी जो फोर्स था वो डिस्टेंस स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज 1/4 pi epsilon naught। ये आएगा। अब देखिए ये जो कांस्टेंट आया इसे हम k भी कह सकते हैं, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे जो कांस्टेंट आया, यूजुअली बाकी सारी चीज आप समझ लो, क्यों चार्ज है ये मैथमेटिकली हम बाद में लिखेंगे, पहले थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के बाद, बट समझ लेते हैं। यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की, जो कि हमने लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कॉन्स्टेंट आया, द कॉन्स्टेंट इज के, तो जो के है उसे तो हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट। हियर के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, कैपिटल के है कि स्मॉल के भी आएगा, कभी कभी स्मॉल के को इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख देते हैं कहीं के और कैपिटल के को डायलेक्ट्रिक लिख देते हैं, जो कि बाद में आएगा, बट यूजुअली मैं क्या लेके चलूंगा, कैपिटल के मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्मॉल के मतलब कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो कि 1/4 pi epsilon naught के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले नाम लिख देता हूं मैं उसका, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको समझाया मैथमेटिकली, वही स्टेटमेंट है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, मतलब फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दैट इज फिर आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख दो, दैट इज करके F proportional to Q1 Q2, F proportional to 1 by R square, और proportionality का sign हटेगा तो एक constant आएगा, that constant is 1/4 pi epsilon naught और K. So this is the definition of Coulomb's law. अब Coulomb's law में एक term आया है epsilon naught, जिसे हम बोलते हैं permittivity, तो ये term क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, permittivity क्या होता है। So देखिए permittivity, जैसे कि हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। वैसा ही कुछ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी होता था कि वहां भी फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द मास के प्रोपोर्शनल होता था और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। बस डिफरेंस ये है कि न्यूटन लॉ में जो कॉन्स्टेंट आता था जी, उसको बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट,
वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता था, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है वो कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट होता है। 1/4 pi epsilon naught, 4 इज ए नंबर, पाई इज ए नंबर जो कि हमेशा फिक्स रहेगा, बट epsilon naught जो कांस्टेंट है, epsilon naught की जो वैल्यू होगी वो मीडियम डिपेंडेंट होगी। मीडियम में डिपेंड करेगा, एयर में कुछ और होगा, वाटर में कुछ और होगा। यहाँ पे तो हम एयर की बात करेंगे या फ्री स्पेस की बात करेंगे, उस कांस्टेंट की बोल उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम परमिटिविटी, epsilon naught से इंडिकेट करते हैं। epsilon naught का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी जैसा कि मैंने बताया मीडियम पे फोर्स का डिपेंडेंस, तो डिफाइन कैसे करेंगे, जैसा कि नाम भी है इसका परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब परमिशन। सो परमिटिविटी इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्ज टू अलाउ इट्स इफेक्ट टू फ्लो थ्रू इट। मतलब एक मीडियम चार्ज को किस हद तक, किस एक्सटेंट तक परमिशन देता है कि चार्ज का इफेक्ट उसके थ्रू फ्लो करे। कोई मीडियम ज़्यादा देता होगा, कोई मीडियम कम देता होगा, जो मीडियम कम देता है ना उसमें फोर्स कम लगता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं लेता हूँ, वो मैं फिर से लूँगा, दोबारा लूँगा जब समझा रहा हूँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे नमक, नमक क्या होता है, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके बीच में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज बॉन्ड। जब आप एयर में रखोगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एयर जो है वो ज़्यादा परमिशन देता है चार्ज के इफेक्ट को फ्लो कराने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वाटर में डालोगे ना, हल्का सा डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, बिकॉज जो वाटर है वो कम परमिशन देता है। क्यों कम परमिशन देता है ये हम देखेंगे, क्यों तो नहीं, किस हद तक कम परमिशन देता है ये हम देखेंगे। सो वाटर कम परमिशन देता है, इसलिए वाटर में वो जो Na और Cl के बीच में जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज परमिटिविटी, सो बाय डेफिनेशन परमिटिविटी इज द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू द चार्ज टू अलाउ इट्स इफेक्ट टू फ्लो थ्रू इट। और ये जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10^-12 इन SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या होगा वो भी मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। और K, हमें तो K यूज करना है ना, K है 1/4 pi epsilon naught, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught, यानी कि 9 × 10^-9। अब इनका यूनिट क्या जाएगा, इनके यूनिट के लिए ना आप यहां पे देखो, फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सो के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो के क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू कूलम स्क्वायर, यानी कि के होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ये के का यूनिट हुआ। सो के इज 9 × 10^-9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और सिंस के इज 1/4 pi epsilon naught, तो मैं कह सकता हूं कि epsilon naught के का इनवर्स होगा, यानी epsilon naught का यूनिट होगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये epsilon naught का यूनिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट हम समझते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही चीज है, जैसा कि नाम है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी का परमिटिविटी किसी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10^-12 जो हम लोग जानते हैं। सो एक मीडियम का परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम और एयर दोनों को सेम लेके चल रहा हूं, उसे हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो सिंपली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होगा आपका एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम by epsilon naught, ये आप लिख सकते हो, और इसे k भी कहते हैं, is equal to small k, dielectric constant। इसे हम numerical में use कर सकते हैं, एक सीधा सा result है, वो result हमें याद होना चाहिए, वो result as a question मैंने आपसे पूछा हुआ है कि दो charges हैं q1 और q2,
उनको हम एयर में रखते हैं आर डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में फोर्स लगता है एफ या एफ नॉट, जो भी ले लीजिए। उसे हम उठाकर एक मीडियम में डाल देते हैं जिस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो उस केस में कितना फोर्स लगेगा। सो ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर, तो इनका फोर्स कितना होगा एयर में, इन एयर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हुआ, और इसको उठाकर हम डाल देते हैं मीडियम में, सेम डिस्टेंस पे रहेंगे बट यहां पे रहेगा एक मीडियम रहेगा, बीच में एक मीडियम है, और मीडियम होने की वजह से ये जो फोर्स है वो इन मीडियम इसे मैं बोलूंगा एफ एम, मीडियम में फोर्स वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन एम है इसका क्या वैल्यू होगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है के, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डेफिनेशन है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, अभी हमने देखा। तो यहां से एप्सिलॉन एम का वैल्यू निकाल लेंगे के इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन एम का वैल्यू निकाला वो यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एम आएगा 1/4 पाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्या होता है, एफ नॉट होता है या एफ होता है, तो ये आएगा आपका एफ बाई के, मतलब मीडियम में फोर्स 1/k टाइम्स हो गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन मीडियम द फोर्स इज 1/k टाइम्स द फोर्स इन एयर। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, बॉक्स बनाते हैं और नोट करके लिख लेते हैं। फोर्स इन मीडियम इज 1/k टाइम्स द फोर्स इन एयर। मीडियम में जो फोर्स होगा वो 1/k टाइम्स होगा एयर के फोर्स के। सो अब देखिए जो NaCl है उसे हम जो एग्जांपल मैंने आपसे लिया NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच में मान लेते हैं फोर्स F एयर में। अब F एयर में फोर्स है तो वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, NaCl एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब हम उसे वाटर में डालते हैं वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, तो जब आप वाटर में डालोगे तो वो फोर्स जो आपका जो भी था एयर में मान लेते 1 mN माइक्रो न्यूटन कुछ भी था वो 1/81 टाइम्स हो जाएगा, मतलब वो फोर्स 81 टाइम्स से रिड्यूस हो गया, तो फोर्स काफी कम हो गया। और ये फोर्स कम होने के बाद आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, आपने इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, और जब आपने डिस्टर्ब किया तो आपने एडिशनल फोर्स दे दिया, एक तो ऑलरेडी वो वीक थे, आपने इसको डिस्टर्ब किया तो वो Na अलग हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपके पास ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयंस होंगे। सो इसलिए NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज वाटर हैज हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स कम होता है एंड हेंस इट गेट्स डिसॉल्वड। सो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है वो कूलम्स लॉ के ग्राफ पे बेस्ड है। मैं पहले थोड़ा सा आपसे कूलम्स लॉ का ग्राफ डिस्कस कर लेता हूं एंड देन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एंड देन फिर सॉल्यूशन को सुनो। तो पहले मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कंसेप्ट ग्राफ का, कूलम्स लॉ का। तो देखिए फोर्स एफ
ये होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हम दो ग्राफ डिस्कस करेंगे, पहला ग्राफ एफ और आर के बीच में। तो एफ और आर के बीच में ग्राफ क्या होगा, सिंस एफ प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर तो ग्राफ हाइपरबोला होगा। ठीक है, हाइपरबोला। और सेकंड, एफ एंड वन बाई आर स्क्वायर के बीच में, मतलब इस बार तो वन बाई आर स्क्वायर ही आपका एक्स है। तो अब f और 1 बाई आर स्क्वायर का देखते हैं, तो y में तो आपका f है और x में 1 बाई आर स्क्वायर है, इस बार r हमारा x नहीं है, पूरा का पूरा 1 बाई आर स्क्वायर ही x है। तो y पे पावर 1 और x के पावर 1, y प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब इस बार समझिए यहां पे क्या है आपका x r है, तो x पे पावर 2 है, मतलब कि ये ग्राफ को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो ये y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x स्क्वायर है और y प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर n, n कुछ भी हो उस केस में हाइपरबोला बनेगा, बट यहां पे y प्रोपोर्शनल टू x है, यहां पे y प्रोपोर्शनल टू x है बिकॉज इस बार x आपका 1 बाई आर स्क्वायर है। और जब y प्रोपोर्शनल टू x होता है तो ग्राफ आपका बनता है स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इसका स्लोप क्या होगा, तो देखिए स्लोप आप लिखेंगे f इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, ये आपका स्लोप हो जाएगा इंटू वन बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज x, दिस इज y, तो y प्रोपोर्शनल टू x और इसका स्लोप होगा के क्यू वन क्यू टू। सो f और वन बाई आर स्क्वायर की ग्राफ की जब बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा विथ स्लोप के क्यू वन क्यू टू, ये लाइन लिख रहा हूं मैं, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। So, graph between f and 1 by r square, f और 1 by r square के बीच में एक straight line होगा, is a straight line with slope k q1 q2, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो थीटा बनाएगा tan थीटा, ये होगा k q1 q2 के बराबर, k तो फिक्स है, q1 q2 पे डिपेंड करेगा, जिसका Q1 Q2 ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका Q1 Q2 कम होगा उसका स्लोप कम होगा। सो अब हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा F और 1 बाई आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। दो केसेस है, पहला केस है 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम और दूसरा केस है 1 माइक्रोकुलम और माइनस 3 माइक्रोकुलम। तो देखिए जो फर्स्ट केस है ना, 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम, इस केस में जो आपका स्लोप होगा के क्यू वन क्यू टू, ये होगा आपका 9 इंटू टेन रिज टू पावर 9 इंटू टेन रिज टू पावर माइनस 6 इंटू टू इंटू टेन टू पावर माइनस 6, यानी ये होगा 18 इंटू टेन रिज टू पावर माइनस 3। और दूसरा जो है 1 माइक्रोकुलम इंटू और माइनस थ्री माइक्रोकुलम, इसके लिए स्लोप क्या होगा, इसके लिए स्लोप होगा के क्यू वन क्यू टू, मतलब कि 9 इंटू टेन रेज टू पावर 9, क्यू वन है आपका टेन रेज टू पावर माइनस 6 इंटू माइनस थ्री इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 6। सो ये आएगा आपका माइनस 27, थोड़ा स्लोप ज्यादा आएगा बट नेगेटिव आएगा, इंटू टेन इज टू पावर माइनस 3। तो इसे अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करता हूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनेगा, सबसे पहले पॉजिटिव वाले का ऊपर जाएगा,
बिकॉज इसका स्लोप पॉजिटिव था। ये है 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम के लिए। और दूसरा जो प्लॉट है वो है 1 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम के लिए। सो ये दोनों अलग अलग है, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। और ऑब्वियसली नेगेटिव में भी है, ये नेगेटिव में क्यों गया वो हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप स्लोप को दिखाते हुए बनाओगे और थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दोगे कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन डिटेल में बता दिए मैंने आपको, तो वो क्वेश्चन के साथ थोड़ा लिखना होगा।